सो हैचेट 1 और 2 में इतनी बार कोशिश करने के बाद भी मेरी वेद विक्टर को नहीं मार पाती एंड विक्टर भी बार बार जिंदा होकर लोगों को मारना जारी रखता है। क्या हैचेट 3 में मेरी वेद विक्टर को मार पाएगी? ये जानने के लिए पूरे वीडियो को देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है हैचेट पार्ट 2 के लास्ट सीन के साथ, जब मेरी वेद गन से विक्टर की सर को उड़ा देती है एंड अगेन विक्टर जिंदा हो जाता है। मेरी वेद जंगल से निकलने लगती है बट अगेन विक्टर उसे पकड़ लेता है। मेरी वेद उससे बचने के लिए उसके फेस में अपना हाथ घुसा देती है, जिस वजह से विक्टर को उसे छोड़ना पड़ता है एंड विक्टर एक चेन सॉ में गिर जाता है एंड दैट्स व्हाई इसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। देन मेरी वेद विक्टर के स्कैल्प को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाती है। सारे पुलिस ऑफिसर मेरी वेद को ऐसे खून से लथपथ देखकर शॉक हो जाते हैं। शेरिफ जब उससे पूछता है कि उसने किसका खून किया है, मेरी वेद सिर्फ कहती है कि आई किल्ड एंड दे आर ऑल डेड एंड वो हनी एलन स्वाम का नाम लेती है। शेरिफ कुछ ना समझ पाकर मेरी वेद को अरेस्ट कर लेता है। दो लेडी पुलिस ऑफिसर शेरिफ को बताती है कि मेरी वेद की बॉडी में कोई चोट नहीं है एंड उस पर लगा ब्लड किसी और का है। मेरी वेद को लॉकअप में रखा जाता है। शेरिफ उसे डेड बॉडीज के बारे में क्वेश्चन पूछने लगता है। मेरी वेद शेरिफ को बताती है कि विक्टर क्रॉली ने सबको मार दिया है। मेरी वेद उसके साथ जो भी हुआ है एंड पहली बार कैसे वो स्वाम्प में पहुंची, ये सारी बात बताती है एंड ये भी कि वो कैसे जॉम्बी के साथ अगेन गई थी स्वाम्प में विक्टर को मारने के लिए। बट शेरिफ विक्टर क्रॉली की स्टोरी को नहीं मानता। देन शेरिफ ने अपने जिस टीम को स्वाम्प में भेजा था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो टीम शेरिफ को रिपोर्ट करती है कि जंगल में बहुत सारे डेड बॉडीज मिले हैं एंड सबकी हालत बहुत ही खराब है एंड वो उन्हें एक पैरामेडिक टीम सेंड करने के लिए कहते हैं। सो शेरिफ कहते हैं कि वो टीम के साथ स्वाम्प में आ रहा है। देन शेरिफ डिप्यूटी विंसले से एक पैरामेडिक टीम को अरेंज करने के लिए कहता है। अब शेरिफ फॉलर से उसकी एक्स वाइफ अमांडा मिलने आती है, जो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो विक्टर क्रॉली की स्टोरी को कवर करना चाहती है बट फॉलर इसके लिए अमांडा को परमिशन नहीं देता। सो अमांडा विल्सन से कहती है उसे मेरी वेद से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। दूसरी ओर पैरामेडिक्स की टीम स्वाम्प में पहुंच चुकी थी। देन अमांडा जाकर मेरी वेद से मिलती है एंड उससे विक्टर क्रॉली के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगती है एंड कहती है कि वो इसकी हेल्प कर सकती है जेल से निकलने में। मेरी वेद कहती है कि उसे हेल्प नहीं चाहिए। अमांडा उसे कहती है कि अगर वो उसे हेल्प करेगी ये प्रूव करने में कि विक्टर क्रॉली सच में एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए ही अच्छा है, नहीं तो इतने सारे लोगों का मर्डर का दोष उस पर लगेगा एंड उसे कैपिटल पनिशमेंट मिल सकती है। सो मेरी वेद इसके लिए मान जाती है। दूसरी ओर पैरामेडिक की टीम को विक्टर की डेड बॉडी मिल जाती है। वो उसकी डेड बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं एंड विक्टर की डेड बॉडी का मजाक उड़ाने लगते हैं। देन मेरी वेद अपने साथ हुए सारी इंसिडेंट अमांडा को बताने लगती है एंड ये भी कि कैसे जॉम्बी का कर्स खत्म करने का आइडिया फेल हो गया था एंड विक्टर अगेन जिंदा हो गया था। सो अमांडा कहती है कि विक्टर एक रिपीटर है जो कि एवरी नाइट जिंदा होकर अगेन मर जाएगा एंड उसे मारा नहीं जा सकता एज वो ऑलरेडी मरा हुआ है। मेरी वेद कहती है कि उसने उसकी बॉडी को पीसेस में देखा है सो वो मर चुका है बट अमांडा कहती है कि वो नहीं मरा है। अब रात हो चुकी थी एंड विक्टर की बॉडी अगेन जिंदा होने लगती है, जिसका पता एक पैरामेडिक टीम मेंबर को नहीं चलता एंड विक्टर शॉक देने वाले मशीन से उस पैरामेडिक टीम मेंबर को मार देता है। देन विक्टर और एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक कर देता है। वो पुलिस ऑफिसर विल्सन को कॉन्टेक्ट करता है वॉकी टॉकी की मदद से। सो पुलिस स्टेशन में मेरी वेद एंड अमांडा उसकी वॉइस को सुन पा रहे थे बट फाइनली विक्टर उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। देन अमांडा मेरी वेद से कहती है कि वो वन एंड ओनली पर्सन है जो डनस्टन फैमिली में अभी भी जिंदा है। सो अगर कोई ये सब खत्म कर सकता है तो सिर्फ वही है। दूसरे ओर विल्सन को दूसरे ऑफिसर वॉइसेस सुनाई दे रहे थे एज वो दर्द में चीख रहे थे। सो अमांडा कहती है कि उसे जल्दी ही मेरी वेद को फ्री करना होगा ये सारे मर्डर्स को रोकने के लिए। सो विल्सन मेरी वेद को फ्री कर देता है। नाउ शेरिफ भी अपनी टीम के साथ स्वाम्प में जा रहा था एंड उसके साथ ऑफिसर हाविस जो कि स्वाट टीम का कैप्टन था वो भी जा रहा था अपनी टीम के साथ। दनकोरी नाम का एक पुलिस ऑफिसर मिकेला नाम के एक स्वाट मेंबर को कहता है कि वो लोग विक्टर क्रॉली के एरिया में आए हैं सो उन्हें पूरी तैयारी के साथ यहाँ आना चाहिए। अमांडा एंड विल्सन मेरी वेद को लेकर ओजोना नाम के एक प्लेस में जा रहे थे जो कि हनी आइलैंड स्वाम के नजदीकी है। मेरी वेद पूछती है कि आखिर वो सब ओजोना में क्यों जा रहे हैं। अमांडा कहती है कि वहाँ थॉमस क्राउली है। दूसरी ओर शेरिफ एंड हाविस की टीम स्वाम के जंगल में पहुंच गई थी।
फाउलर हाउस को जंगल में रहने वाले विक्टर क्राउली की स्टोरी बताता है एंड ये भी कि उसकी वाइफ के साथ उसका डिवोर्स हो गया है एंड नाउ शी इज हिज एक्स वाइफ। देन सारे टीममेट्स मिलकर जंगल में घूमने लगते हैं ये पता लगाने के लिए कि विक्टर क्राउली सच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं एंड उन्हें धीरे धीरे पुलिस ऑफिसर्स की डेड बॉडी मिलने लगती है जो कि सुबह को आए थे इस फॉर्म पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दूसरी अमांडा बताती है कि वो लोग एबोट मैक्यूलन के घर जा रहे हैं जो कि थॉमस क्राउली का एक लौता रिलेटिव है जो कि अभी भी जिंदा है एंड उसके पास थॉमस क्राउली की एशेस है। अगर मैरीवेथ अपने हाथों से विक्टर क्राउली को उसके एशेस देगी तो शायद विक्टर की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है जिससे ये सब कुछ खत्म हो सकता है। दूसरी ओर कोरी शरीफ को कहते हैं कि विक्टर क्राउली ने उन सबको मारा है तो उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए बट शरीफ या हाउस कोई भी उसकी बातों को बिलीव नहीं करता। अब उन सबकी मुलाकात होती है एंड्रयू के साथ जो कि पैरामेडिक्स टीम का मेंबर है। एंड्रयू ने बताते हैं कि ये सारी तबाही विक्टर क्राउले ने किया है एंड उन सबको जल्द ही स्वाम से निकलना होगा। शेरिफ एंड्रयू की बातें सुनकर मिलिट्री को कॉल करने लगता है बट हाविस फाउलर के हाथ से फोन छीन लेता है एंड उसे मिलिट्री को कॉल करने से रोकता है। एज हाविस को अपने और अपने टीम मेंबर के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो इस सिचुएशन को संभाल देंगे। कोरी ये सब देख के वहाँ से जाने लगता है तो हाविस उसे रोकता है एंड देन उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल होते हुए दिखाई देती है सो सब मिलकर शूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं बट इट वॉज जस्ट एन एनिमल। देन फाइनली एंट्री होती है विक्टर क्राउली की जो कि एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है एंड और एक लेडी ऑफिसर भी उसके चंगुल में फंस जाती है जिसे फाउलर बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं बचा पाता। सब मिलकर शूटिंग करने लगते हैं बट इसका कोई फायदा नहीं होता। विक्टर क्राउली अगेन अपीयर होकर सबको मारने लगता है एंड वो बड़ी बेरहमी से लोगों को मारने लगता है। फाइनली हाविस की गोलियां खत्म हो जाती है लेकिन फिर भी विक्टर की मौत नहीं होती सो हाविस अब उसके साथ हैंड टू हैंड फाइट में उतर आता है बट जल्द ही विक्टर हाविस को बहुत ही बुरी तरह मार देता है। ना कोरी रॉकेट लॉन्चर से विक्टर को उड़ा देता है बट तब भी विक्टर जिंदा होता है एंड कोरी की बॉडी पार्ट्स को तोड़कर उसके सर को कुचलकर उसे मार देता है। दूसरी ओर अमांडा विल्सन एंड मैरीवेथ एबोट मैक्यूलन के घर में पहुंच चुके थे। एबोट मैक्यूलन उनके ऊपर गुस्सा हो जाता है एज वो इतने रात को उसके घर पे आए थे। अमांडा एबोट को थॉमस क्राउली की एशेस देने के लिए कहती है। अमांडा उसे समझाती है वो ये एशेस को बाद में लौटा देगी बट एबोट एशेस देने के लिए राजी नहीं था सो अमांडा एबोट को गन दिखाकर एशेस को ले जाती है बट एबोट गन से नहीं डरता फिर भी वो उन्हें एशेस देने के लिए प्रेशराइज नहीं करता। दूसरी ओर एंड्रयू फाउलर एंड मिकेला विक्टर से बचते हुए जंगल में भागने लगते हैं एंड वोट को ढूंढने लगते हैं। देन अमांडा मैरीवेथ को कहती है कि विक्टर क्राउले को उसके अपने हाथों से थॉमस क्राउले की एशेस देना होगा बट मैरीवेथ स्वैम्प में अगेन वापस नहीं जाना चाहती थी। दूसरी ओर शेरिफ एंड्रयू को बोट मिल जाती है सो वो लोग बोट के अंदर चले जाते हैं बट फिर भी वहाँ विक्टर क्राउली पहुंच गया था एंड वो लोग खुद को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। बोट पे रहे एक फोन की मदद से फाउलर मिलिट्री की हेल्प मांगता है। वो कहते हैं कि उन पर अटैक हुआ है। देन विक्टर एक मशीन की मदद से बोट की वॉल को काट कर बोट के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। देन अमांडा विल्सन मैरीवेथ स्वैम्प में पहुंच गए थे। अब विल्सन को हेडक्वार्टर से पता चलता है कि शेरिफ ने कुछ समय पहले ही हेल्प के लिए फोन किया था। दूसरी ओर विक्टर क्राउली वॉल को काट कर एंड्रयू को पकड़ लेता है बट मिकेले की वजह से वो बच जाता है एंड अमांडा जंगल में फाउलर को ढूंढने लगती है एंड देन वो विक्टर को बुलाने लगती है। विक्टर अमांडा की बातों को सुन लेता है एंड अमांडा की तरफ चला जाता है। अमांडा की वॉइस सुनकर शेरिफ वॉल में बने होल के पास चला जाता है एंड देन विक्टर उसे पकड़ लेता है एंड उसके सर को काटकर उसे बहुत बेरहमी से मार देता है। देन मिकेला जब गन लेने होल के पास आती है तब विक्टर उसे भी पकड़ लेता है एंड उसे मार देता है। अमांडा वॉज स्टिल कॉलिंग फॉर विक्टर। देन फाइनली विक्टर वहाँ आ जाता है। मैरीवेथ थॉमस क्राउली की एशेस को विक्टर को ऑफर कर देती है एंड उससे माफी मांगती है उसके डैड एंड उनके दोस्तों के हरकतों के लिए। विक्टर मैरी के ऊपर हमला करने आता है तो विल्सन उसे शूट करने लगता है सो वो नीचे गिर जाता है बट इन द नेक्स्ट मोमेंट वो अगेन जिंदा होकर विल्सन को मार देता है। अब विक्टर अमांडा को भी बहुत बुरी तरह मार देता है एंड मैरीवेथ की बॉडी को एक पेड़ की नुकीली डाली में घुसा देता है। विक्टर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मैरीवेथ उसके ऊपर थॉमस क्राउली की एशेस वाले अर्न को फोड़ देती है एंड विक्टर की बॉडी पिघलने लगती है एंड पिघलते हुए उसकी बॉडी एक स्कल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मैरीवेथ उसे गन से शूट कर देती है। देन फाइनली वहाँ मिलिट्री पहुंच चुकी थी एंड सिर्फ एंड्रयू और मैरीवेथ बचे हुए थे एंड यहाँ मूवी एंड हो जाती है।